नवीन भाई आवाज को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन और पाइए नवीन भाई पनवेल, उरण और लोनावला की ताजा तरीन खबरें। नवीन भाई जोई नगर सायन पनवेल महामार्ग पर 28 तारीख की सुबह 10:30 बजे जानवर के मांस से भरा ट्रक हुआ पलटी, जिसके कारण लगभग 40 मिनट पनवेल से मुंबई जाने वाले वाहनों पर कुछ हद तक दिखा असर। इस समस्या को कंट्रोल करने के लिए नवीन भाई पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, अग्निशमक दल मौजूद होकर किया सुधार। क्रेन और जेसीबी से मांस को फिर से ट्रक में भरकर भेजा गया, वही जगह मांस के सैंपल की जांच करने के लिए भेजा गया है। इसी विषय की अधिक जानकारी पुलिस निरीक्षक बीएन ओटी ने दी है। उनका मानना है कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह ठिकानी इस जगह पे 10:30 बजे के टाइम एक्सीडेंट हुआ है, इसके बारे में वो पहले गाड़ी हम हटा रहे हैं और उसके बाद में जो भी कुछ कानूनी कार्रवाई है वो हम कर रहे हैं। पहले शुरू में हम ट्रैफिक क्लियर कर रहे हैं। अभी कहाँ से गाड़ी आ रही है अभी तो कोई पता नहीं चला, क्योंकि वो ड्राइवर भाग गया। इसलिए हमको ये गाड़ी कहाँ से आई, कहाँ जा रही थी, बिल्कुल पता नहीं है। नहीं, अभी तक वो जब पशु वैद्यकीय अधिकारी जब आएगा उसका सैंपल हम लेके चला जाएगा, तभी पता चलेगा ये क्या है करके ऐसा, और जो है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और ट्रैफिक के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक किशन गायकवाड़ ने भी अपनी राय नवीन भाई आवाज साथ व्यक्त किया है। 10:30 बजे की घटना है, इसमें जानवर का मटन है, टेम्पो पलटी हुआ, इमीडिएट ट्रैफिक और पुलिस स्टेशन के अधिकारी और कर्मचारी वहाँ जगह पर पहुँच गए, और दो हाइड्रा क्रेन और एक जेसीबी बुला के उसको साइड में कराया और ट्रैफिक नॉर्मल किया। ये इसमें जो एनएमएमसी का जो वैद्यकीय अधिकारी है वो उनका सैंपल लेंगे, वो टेस्ट करेंगे लेबोरेटरी में, और उसके बाद में सर्टिफिकेट देगा, उसके बाद में आगे की कार्रवाई होगी। वो अभी ड्राइवर तो नहीं है, यहाँ कोई आदमी मौजूद नहीं है, पेपर भी नहीं है, वो जब आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट साई पवार के साथ पंकज बेनवंशी की रिपोर्ट।